जर्सी के सेट पर बुलेट चलाते दिखे शाहिद कपूर। शाहिद कपूर कबीर सिंह की सक्सेस के बाद साउथ फिल्म जर्सी के रीमेक की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो चुके हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें शाहिद कपूर बुलेट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो फिल्म सेट का बताया जा रहा है। वीडियो में शाहिद सिल्वर और ब्लैक कलर की रॉयल एनफील्ड बाइक चलाते दिख रहे हैं। शाहिद के पीछे की सीट पर एक बच्चा बैठा दिख रहा है। शाहिद के लुक की बात करें तो उन्होंने डार्क कलर की स्वेटशर्ट और ब्लू डेनिम पहन रखा है। इससे पहले शाहिद ने फिल्म कबीर सिंह में भी बुलेट चलाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो जर्सी के लिए शाहिद कपूर क्रिकेटर रोहित शर्मा के कोच दिनेश से बैटिंग के गुर सीख रहे हैं। कियारा आडवाणी के लिए पिछला कुछ समय प्रोफेशनल फ्रंट पर काफी बेहतरीन साबित हुआ है। उनकी साल 2019 में दो फिल्में रिलीज हुई थीं। फिल्म कबीर सिंह और गुड न्यूज में कियारा ने एक दूसरे से काफी अलग किरदार निभाए थे और दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस की। अब वो अपनी फिल्म गिल्टी को लेकर चर्चा में है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पर फिल्म गिल्टी में कियारा ने मॉडर्न गर्ल का रोल प्ले किया है और उन्होंने हाल ही में फिल्मों में अपने रोल से जुड़ी बातें शेयर की। कियारा ने कहा, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि मैं स्टीरियोटाइप ना हो जाऊं। मैं एक्ट्रेसेस को देखती थी कि कैसे वो एक ही तरह के रोल्स इंडस्ट्री में कर रही हैं, लेकिन मुझे जो फिल्में ऑफर हो रही थी वो एक दूसरे से काफी अलग थी। मैं इन रोल्स के लिए स्पेशल प्रयास नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे अलग अलग तरह के ऑफर्स के लिए अप्रोच किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने फिल्म धड़क से डेब्यू किया था और उनकी एक्टिंग को काफी प्रेज किया गया था। जानवी पिछले काफी वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म्स पर काम कर रही हैं। एक एक कर जानवी अपनी फिल्मों की शूटिंग निपटा रही हैं। अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ जानवी अपनी फिटनेस को भी सीरियसली लेती है। बिना अपने जिम रूटीन मिस किए वो वर्कआउट करती हुई स्पॉट होती है। सोशल मीडिया पर जानवी का एक वर्कआउट वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसे मिस कपूर के फैन पेज ने शेयर किया है। जानवी वीडियो में लेग्स और बैक की एक्सरसाइज करती दिख रही है। फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। हंगामा 2 को लेकर अक्षय कुमार ने मिजान जाफरी को दी खास एडवाइस। साल 2019 में मलाल से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी आजकल फिल्म हंगामा 2 में बिजी हैं। फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन कर रहे हैं। इसमें उनके अलावा शिल्पा शेट्टी, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकार हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मिजान को जब पता चला कि हंगामा 2 का डायरेक्शन प्रियदर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म साइन कर ली थी। उन्होंने बताया कि सेट पर जो भी होता है वो प्रियदर्शन के अलावा किसी को पता नहीं होता। मिजान की इस बात पर अक्षय कुमार ने उन्हें सलाह दी कि जो भी प्रियदर्शन कहते हैं वो करते जाओ। मिजान ने आगे बताया, अक्षय कुमार को सूर्यवंशी के सेट पर ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा, प्रियदर्शन जो भी कह रहे हैं तुम सब कुछ आंख बंद करके फॉलो करते जाओ। अक्षय ने कहा, मैंने जितनी भी कॉमेडी सीखी है वो सब प्रियदर्शन की ही देन है, मेरा उनके साथ स्पेशल कनेक्शन है। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर मनोज बाजपेयी आज इंडस्ट्री में अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब मनोज के पास काम नहीं था। हाल ही में मनोज ने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड को याद किया और बताया कि कैसे वो 17.5 साल की उम्र में अपना गांव छोड़कर आ गए थे। उनके पास एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स के ऑफर थे, वो काफी खुश थे, लेकिन इसी बीच उन्हें एक साथ इन 3 प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया। 4 साल का स्ट्रगल 40 साल के बराबर था, लेकिन मनोज के हुनर और उनकी मेहनत ने आज उन्हें बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो बहुत जल्द मनोज द फैमिली मैन 2 में नजर आएंगे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर सनी देओल एक समय लोगों के बीच सबसे बड़े एक्शन स्टार के रूप में पहचाने जाते थे। सनी देओल की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता था। खबरों की माने तो सनी देओल ने लंबे समय के बाद एक जबरदस्त एक्शन एंटरटेनर फिल्म साइन की है जिसकी शूटिंग वो जल्द ही शुरू कर सकते हैं। फिल्म में सनी पाजी एकदम वैसे ही अवतार में दिखेंगे जिसमें उनके फैंस उन्हें पसंद करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल की ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होगी जिसे साउथ के फिल्म मेकर हेनू राघव पुरी डायरेक्ट करेंगे और इसको अनिल शर्मा के भाई अनुज शर्मा प्रोड्यूस करेंगे। बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर और स्टार्स की इसी एक्टिविटी को हम आप तक लेकर होते हैं हाजिर। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहां कहां कैप्चर किया। सबसे पहले हमने रणबीर कपूर को अंधेरी में यशराज स्टूडियो के बाहर कैप्चर किया। इसके बाद करीना कपूर खान, सैफ अली खान और तैमूर को हमने बांद्रा में स्पॉट किया। वरुण धवन को हमने डबिंग स्टूडियो के बाहर कूल लुक अवतार में कैप्चर किया। कृति सेनन को हमने कोच SS20 के न्यू कलेक्शन लॉन्च पर स्पॉट किया। सानिया मल्होत्रा को भी हमने अंधेरी में स्पॉट किया। इस दौरान सानिया ने अपने फैंस के साथ सेल्फीज भी क्लिक कराई।